गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 ट्रेन्स, उसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे, पार्ट 2। ओके, तो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक। तो हम शुरू करते हैं ट्रेन्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें है न्यू वर्ड्स। तो आपको न्यू वर्ड्स मैं रिपीट करवाती हूँ। तो न्यू वर्ड्स में सबसे पहले है माउंटेंस। तो माउंटेंस का मतलब क्या है? माउंटेंस मतलब अ लार्ज स्टेप हिल। तो एक लंबी जो स्टीप पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब है अ ट्रैवलर ऑन अ पब्लिक कन्वीनियंस, कि जो पब्लिक को आने जाने के लिए कन्वीनियंट हो। पैसेंजर्स का मतलब होते हैं यात्री। फिर रिवर्स, रिवर्स का मतलब है अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, कि वो जो नेचुरल वाटर होता है, रिवर्स मतलब नदी। प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब क्या है? प्रेशियस मतलब ऑफ ग्रेट वैल्यू, कोई कीमती चीज़। मेल, मेल का मतलब है चिट्ठियाँ, जो हम पार्सल में और पोस्ट के थ्रू चिट्ठी पहुँचाते हैं। फिर है प्लेन्स, प्लेन्स मतलब अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट एंड फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज, मतलब मैदान। फिर डस्क मतलब डीम और डार्क, जब अंधेरा होता है। और है डॉन मतलब फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, मतलब जो सूरज की हम पहली किरण बोलते हैं उसको बोलते हैं डॉन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट के वेयर डू द ट्रेन्स रन, तो ट्रेन कहाँ कहाँ चलती है? तो उसका आंसर है द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स प्लेन्स एंड रिवर्स। तो वो पहाड़ियाँ, मैदानों और नदियों के ऊपर चलती है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो अपने में कौन सा कीमती सामान वो लेकर वो जाती है, कौन कौन सा कीमती सामान है? तो पैसेंजर्स एंड मेल्स आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी, कि वो यात्रियों को चिट्ठियाँ, सारे वो कीमती सामान को अपने वो कैरी, कैरी मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब है वो ले जाती है। थर्ड क्वेश्चन व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन्स कहाँ कहाँ चलती है, कब कब चलती है? व्हेन का मतलब क्या है बच्चों? व्हेन मतलब कब। द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस, वो दिन में और अंधेरे में चलती है। व्हाट इज डस्क एंड डॉन, तो डस्क इज द टाइम ऑफ द डे इमीजिएटली आफ्टर सनसेट एंड डॉन इज द फर्स्ट लाइट ऑफ डे। तो डस्क का मतलब है कि जब सूरज डूबने का वक्त होता है, सनसेट का मतलब क्या है, सूरज डूबने का वक्त। आपने सनसेट देखा होगा, है ना? ओके, किसने किसने सनसेट देखा है? वेरी गुड। तो और ये डॉन, डॉन का मतलब है जो सूरज की पहली किरण होती है, राइट? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 कि डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपको ट्रेन की राइड्स करना पसंद है, आप उसमें एन्जॉय करते हो? तो यस, आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स। आई लाइक टू गो ऑन ट्रेन राइड विथ माई फैमिली मेम्बर्स, कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रेन में राइड करना पसंद करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो तो आपको वहाँ पे जाना पसंद है, अगर है तो क्यों पसंद है? तो इफ़ आई हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस आई वुड लाइक टू गो बाई ट्रेन बिकॉज आई कैन एन्जॉय द वेदर एंड ऑल्सो गेट अ नाइस व्यू फ्रॉम द ट्रेन। अगर लंबी डिस्टेंस मतलब लंबे दूर जाना हो कहीं पे, तो मुझे ट्रेन में जाना इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे जो वेदर होता है, वेदर का मतलब क्या है, जो मौसम होता है, उसका मैं एंजॉय कर सकता हूँ और ट्रेन में से मुझे अच्छे अच्छे से व्यू देखने को मुझे मिल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
If you had to spend the night on a train, what would you need to take with you? अगर आपको रात आपको ट्रेन में स्पेंड करनी हो, मतलब रात आपको रात में ट्रेन में बैठना हो तो रात आपको स्पेंड करनी हो तो आप क्या क्या लेके जाओगे अपने साथ? तो आई वुड टेक अ ब्लैंकेट, पिलो एंड अ वाटर बॉटल. कि मैं ब्लैंकेट, पिलो का मतलब क्या होता है, वो तकिया, और वाटर बॉटल साथ में लेके जाऊंगा, राइट? अब क्वेश्चन 3 है कि डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक. राइट 4 सेंटेंस अबाउट योर जर्नी. यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. तो ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट्स, उसके वर्ड्स का यूज़ करके आपको रेलवे स्टेशन के बारे में वो सेंटेंस लिखने के. ये एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 कि आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर. तो आगे आपको लिखना है कि आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर. द ट्रेन वॉज वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स टू बोर्ड. आई गॉट द सीट नियर द विंडो. द टिकट कलेक्टर केम टू चेक अवर टिकट. As the train started to run, I saw big and small trees on the way. The train also passed the hills. After an hour, the train took a half at the next station. We got down from the train to get some tea. तो मैं मेरे पापा के साथ रेलवे स्टेशन गया था. तब मैं वहाँ पे वेट कर रहा था कि पैसेंजर्स, द ट्रेन वॉज वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स टू बोर्ड. राइट, तो वहाँ पे ट्रेन वेट कर रही थी पैसेंजर्स के आने के लिए. फिर वहाँ पे हमने विंडो के नज़दीक मुझे सीट मिल गई. हमने टिकट कलेक्टर से टिकट हमारी चेक करवाई. फिर ट्रेन जब चलने लगी तब मैंने बड़े और छोटे सारे पेड़ देखे रास्ते में. फिर वहाँ मैं यहाँ पे मैं पहाड़ी में से भी वहाँ पे पास हुआ. फिर आफ्टर एन आवर, मतलब एक घंटे के बाद ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर हाफ एन आवर तक रुकी और हम लोग नीचे उतरे चाय पीने के लिए. द टी स्टॉल्स वेर क्राउडेड विथ मैनी पीपल. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ट्रेन ब्लू अ लाउड व्हिसल टू इंडिकेट इट्स पैसेंजर्स टू बोर्ड द ट्रेन. तो टी स्टॉल, चाय की वहाँ पे जो स्टॉल थी वहाँ पे बहुत सारे पीपल थे. आफ्टर अ 2 मिनट्स फिर ट्रेन की व्हिसल, थोड़ी मिनट्स के बाद, फ्यू मिनट्स के मतलब क्या, थोड़ी मिनट के बाद वो विसल बजने लगी और पैसेंजर ट्रेन में बैठने लगे. राइट, ये ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बच्चों है. तो आप ये रेलवे स्टेशन के बारे में आप सीख सकते हो. लिखना है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी लिखना है. राइट, आगे इस क्वेश्चन 4 कि बस ट्रेन, तो इसमें से कौन कौन से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है. तो कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन एयर ट्रांसपोर्ट है, कौन से वाटर ट्रांसपोर्ट है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंड ट्रांसपोर्ट, तो लैंड में क्या होता है, लैंड में कौन सा व्हीकल चलता है, तो बस और कार. लैंड का मतलब क्या है बच्चों, ज़मीन. तो ज़मीन पे बस, कार, ट्रक और ट्रेन चलती है. राइट, फिर एयर, एयर का मतलब है हवा. हवा में क्या चलता है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. और वाटर में क्या चलता है, शिप और बोट और स्टीमर. ओके, तो ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. अब ये ब्लैंक्स कि गिव मी सम फूड टू ईट, के मुझे खाने के लिए फूड चाहिए. प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो. स्विम अक्रॉस द रिवर, कि नदी को पार करो. और लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, हम ट्रेन में हम जाते हैं. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन ख़त्म होता है. ओके, आपको ये टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के साथ पूरा करना है और ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने के हैं. ओके बच्चों, तो बाय, टेक केयर.